SST के आरक्षण में बंटवारे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलित बहुजन नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर किन नेताओं ने क्या कहा, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस फैसले से देश के दलित बहुजन राजनीति पर भी गहरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की। बहन जी ने SST के आरक्षण में बंटवारे के फैसले का विरोध किया है और इस पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? देश के SC ST व OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियां सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है और सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD की बात करें तो तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूना पैक्ट और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है, आरक्षण जो दलितों को आदिवासियों को जो दिया गया था इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है, इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे है, ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको, क्यों नहीं देते नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है, ये सबके पास है आंकड़ा, सबके सामने सार्वजनिक है। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता दलितों और आदिवासियों को, तो छोड़ो अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता, जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने, दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं। वहीं बिहार में दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में शामिल चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया है। LJP ने इस मामले पर सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर किया। LJP ने ट्विटर पर इस बारे में लिखा, SC ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी इस बात की मांग करते आए कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रिमिनल लेयर जैसे प्रावधान न हों। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि इस फैसले का पुनर्विचार किया जाए ताकि SC ST समाज में भेदभाव न उत्पन्न हो और समाज को कमजोर न किया जा सके।
वहीं भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस फैसले का विरोध किया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में कहा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 6743 जातियों में बिखरे समूह को SC ST OBC में संगठित किया, अब उसको दोबारा से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये दो बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर चल रही लड़ाई जैसा है, जिसमें सारी रोटी बंद रखा जाता है और बिल्लियां भूखी रह जाती हैं। अगर SC ST के लोगों में इतनी योग्यता पैदा हो गई है तो फिर NFS कैसे हो रहा है? आप फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम SC ST के लोगों को बंटने नहीं देंगे। देश भर में इस फैसले का कुछ नेता विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में RPI आठवले के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने इस फैसले का स्वागत किया है। रामदास आठवले ने ट्विटर पर लिखा, रिपब्लिकन पार्टी अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण के लिए क्रिमिनल एयर आर्थिक मानदंडों का कड़ा विरोध करती है। OBC और ओपन वर्ग में उपवर्गीकरण के साथ ही अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण किया जाए। उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी अनुसूचित जातियों को न्याय मिलेगा। यानी आठवले ने आरक्षण में बंटवारे का स्वागत किया है, लेकिन क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव का विरोध किया है। लेकिन महाराष्ट्र की वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, अनुसूचित जाति के भीतर विभिन्न जातियों के पिछड़ेपन को मापने के मापदंडों पर निर्णय चुप है। EV चनैया इस बात पर कायम है, भले ही सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच जिसमें 6-1 द्वारा इसने माना कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण इस साधारण कारण से स्वीकार्य है, ये निर्णय अनुच्छेद 14 के खिलाफ है और आरक्षण के लाभार्थी सिर्फ SC ST और OBC नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के लोग भी हैं। यदि केवल SC श्रेणी ऐतिहासिक रूप से यानी वंचित वर्गों को वर्गीकृत किया गया तो ये निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय नहीं करता। प्रकाश अंबेडकर बाबा साहेब के पोते हैं और वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया। इस बारे में BAP ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 7 कॉलेजियम जजों द्वारा 6-1 से दिए 1/8/2024 के आरक्षण संबंधी फैसले से हम असहमत हैं, क्योंकि इंडियन जुडिशरी सर्विसेज प्रवेश परीक्षा और न्यायपालिका में SC ST प्रतिनिधित्व के बगैर किसी भी आरक्षण संबंधी फैसले का न्यायपूर्ण होना संभव है। जिनके पूर्वज ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय करने के लिए दोषी हैं, उनके अनुवांशिक वंशज वगैरह पूर्वाग्रही भेदभाव के सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जनजाति का मामला नहीं होने के बावजूद जबरन अनुसूचित जनजाति आरक्षण को जोड़ा गया है, ये अप्रवासी लोगों की धूर्त मानसिकता का परिचायक है। जहां तक कांग्रेस और BJP का सवाल है तो BJP की तरफ से अभी इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने फैसला आते ही खुशी जाहिर की और कह दिया कि वो सबसे पहले अपने राज्य में इस फैसले को लागू करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने SC ST के आरक्षण में बंटवारे पर अभी अपना पक्ष नहीं रखा है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो फेक है। आज हमने इसकी पुष्टि करने के लिए उन्हें फोन किया था तो हमें पता चला कि ये वीडियो फेक है और अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। तो ये थे कुछ राजनेताओं के बयान जिन्होंने SC ST के आरक्षण में बंटवारे के खिलाफ और पक्ष में बयान दिए हैं। समाज से अभी भी कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ जातियां इस फैसले का स्वागत कर रही हैं तो कुछ लोग इसको समाज को तोड़ने वाला बता रहे हैं। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप द न्यूज़ बीक पर उपलब्ध वीडियो को देखें और इस पूरी बहस को समझने की कोशिश करें। ये बेहद अहम मामला है, इसलिए इसको आपको समझ बनाने के लिए कुछ कंटेंट देखना होगा, अपनी राय देनी होगी। इस वीडियो में इतना ही साथियों, आपका इस मसले पर क्या कहना है, आप इन बयानों से सहमत हैं या नहीं कमेंट करके बताएं। पूरे मामले पर क्या सोचते हैं आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358780000640।
आईएफएससी कोड है SB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।